भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको रोजगार समाचार अर्थात एम्प्लॉयमेंट न्यूज से संबंधित तीन वैकेंसीज या तीन पदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो तीन पद मैं बताने जा रहा हूँ, ये पद आपके अनुवाद से, हिंदी से, या फिर यदि आप बीएड किए हुए हुए तो ऐसे लोगों के लिए सर्वथा उपयुक्त शब्द हैं। देखिए, सबसे पहला है निमहांस, NIMHANS। यह बेंगलुरु में है और यह एक अस्पताल है जहां मेंटल डिजीजेस पर रिसर्च होता है और उसके इलाज की बात चलती है। यहां पद आए हैं हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है उनको। इसके बाद आया सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, STO, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। पद क्या है, इनके लिए आवश्यक पात्रता क्या है और आवेदन कैसे करना है, इसके साथ ही उसकी वेबसाइट, ये तीनों चीज मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा, बने रहिएगा अंत तक। इसके अलावा जो अगली भर्ती है वह है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, जो सब इंस्पेक्टर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पद है या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आप कह सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी को लेकर के और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के को लेकर के लोगों में काफी शक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे और आपके शंका का निवारण करना चाहेंगे। तीसरी जो वैकेंसी है वह है ITBP में हेड कांस्टेबल, जिसे एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर कहा जाता है, तो इसकी वैकेंसी की बात करेंगे। साथ में हम और भी कुछ नई चीजों पर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हर पद की मिल सके। यदि आपको लगता है कि समय की कमी है तो कोई बात नहीं, इतनी जानकारी हमने दे दी है, बाकी इसके बाद इनके आवेदन की तिथि और उसकी जानकारी मैं आपको तत्काल प्रस्तुत कर दूंगा। आइए फिर आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली वैकेंसी है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको, वह वैकेंसी है निमहांस की। निमहांस में देखिए लिखा हुआ है, निमहांस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द इंडियन नेशनल रिसाइडिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। अगर आप विदेश में भी रह रहे हैं और भारतीय नागरिक हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट मैंने आपको बताया है वह है हिंदी ऑफिसर, अर्थात इसका नाम है पद का असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके लिए एक वैकेंसी है और आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फर्स्ट और सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ गुड नॉलेज इन हिंदी, मतलब हिंदी का सही ज्ञान हो, और फर्स्ट या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अनुभव मांगा है 5 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, मतलब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का भी अनुभव चाहिए, और अपर एज लिमिट मांगा गया है 35 वर्ष। यह है लेवल 10 में, लेवल 10 मतलब बेसिक पे आपका 56,100 होगा और इनिशियल पे इन पे मैट्रिक्स 56,100 से शुरुआत होगी। बहुत अच्छा पद है। रिजर्वेशन वगैरह के बारे में इसमें आगे चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें लेक्चरर के हैं, फिजिक्स के हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, GDMO हैं और आयुर्वेद के हैं। मैं जिस पे और फोकस करना चाह रहा हूँ आपका, वह है सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। देखिए, अगला है सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इसका भी केवल एक पद है, 1 है, और इसमें मांगा गया है आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपसे मांगा गया है कि मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देखिए लिखा हुआ है, और उसके साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, मतलब PGDT जैसे डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, इसके साथ आपसे मांगा गया है 2 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल मटेरियल फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट,
ऑर्गेनाइजेशन मतलब सरकारी संस्थान में होना चाहिए। लेवल 7 मांगा गया है, मतलब पे स्केल है, और 44,900 पे स्केल है। अपर एज लिमिट आपकी 30 वर्ष दी गई है। इसके साथ जो अगला है वह है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसका एक पद है और इसमें सबसे बड़ी बात है पहला है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट और ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर यह नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, और ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश आपके पास कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या दोनों पढ़े हों। वह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी या इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी या इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। यह तो हो गया मास्टर्स डिग्री की बात। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री भी नहीं है, आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है, देखिए लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और इधर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर, मतलब इनमें से एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो और एक आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, साथ में आपसे रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा मांगा गया। मतलब अगर इतना है आपके पास, PGDT है या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन है और आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर यह नहीं है तो 2 साल का आपके पास ट्रांसलेशन वर्क हो हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ये किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में हो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हो तो भी आपका चल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आपका आराम से चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह के जो क्राइटेरिया हैं वह क्राइटेरिया यथावत मिलेगा। तो यदि आपको लगता है कि आपको इन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए तो आवेदन प्रक्रिया का सारा विवरण इसके वेबसाइट पर दिया हुआ है, निमांस का वेबसाइट। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका विवरण दे दूंगा और साथ ही साथ आपको मैं इसका लिंक, मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है गली-कूचा, आपको इसमें मिल जाएगा गली-कूचा, या आप गली-कूचा सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगली वैकेंसी अर्थात ITPP में ट्रांसलेटर की वैकेंसी पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों आज के फिर दूसरे वैकेंसी की बात करते हैं। आज की ये जो दूसरी वैकेंसी है वह है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें भी देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, चूंकि ये यूनिफॉर्म वाली सर्विस है इसलिए यूनिफॉर्म वाली सर्विस में आपको मिलेगा सब इंस्पेक्टर या हवलदार, इस तरह की बातें लिखी हुई आती है। तो यह है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर का पद है, यह 2024 का मतलब इसी वर्ष की वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर, टोटल 17 वैकेंसीज है इसमें, जिसमें महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व की 6 वैकेंसी है जिसमें महिलाओं को 1, और दूसरा है SC ST में ये महिलाओं को 1 मिला है, कुल 5 वैकेंसी है। ST में एक है महिलाओं के लिए, 0 है और पुरुषों के लिए 1 है। OBC के 3 हैं, महिलाओं के लिए 1 पद है, और EWS में महिलाओं के लिए 1 पद है, कुल मिलाकर के 14 हो रहा है पुरुषों के लिए और 17 हो रहा है महिलाओं के लिए। इसका जो वेबसाइट है वह है www नहीं लगाना है recruitment.itbppolice.nic.in, इस वेबसाइट पर जाना है। इसमें से जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 10% वैकेंसीज आरक्षित है, मतलब अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो किसी में भी 10% का आरक्षण है। इसके अलावा ₹200 का केवल फी आपको जमा करना है, और ये जो फी है वह महिलाओं के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं
उनके लिए माफ है, मतलब उनको नहीं देना है। अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उम्र आपसे मांगी गई है 18 से 30 वर्ष तक, अगर इस आयु के घेरे में है तो आप कर सकते हैं। इसमें मांगा गया है मास्टर्स डिग्री हिंदी में होना चाहिए, मतलब एमए हिंदी होना चाहिए, और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो ग्रेजुएशन में। यह नहीं है तो मास्टर्स डिग्री हो इंग्लिश में और ग्रेजुएशन में फिर से हिंदी एक इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हो, या मास्टर्स डिग्री एनी सब्जेक्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है, या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी विषय में अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो, यह भी है नहीं है तो और भी विकल्प दिया हुआ है, एंड साथ में आपको रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन मांगा गया है एंड वाइस वर्सा, या फिर 2 साल का आपका अनुवाद का अनुभव मांगा गया है, वह सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। ध्यान रहे मित्रों, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नहीं चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि अभी आई नहीं है, इसलिए आईटीबीपी के वेबसाइट पर इसका विवरण आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें देखिए आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी, इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें क्वालिफाई करेंगे तो लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जरूरत पड़ी तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन 28 तारीख से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी 28 जुलाई से, और यह प्रक्रिया 26 अगस्त तक चलेगी। मित्रों, चूंकि यह यूनिफॉर्म वाली सर्विस है, आप वहां एज ए फाइटर, अर्थात जो भी फोर्सेज होते हैं लड़ने के लिए होते हैं, तो फाइटिंग फोर्सेज में जा रहे हैं, तो इसके लिए उनकी कुछ न कुछ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग रहती है, आपके लॉन्ग जंप होते हैं, हाई जंप होते हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड भी होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब है कि पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट और महिलाओं के लिए उसी के अनुसार हाइट का परिमाण रहता है। यह सारा विवरण मैं अभी जो दूसरा वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ उस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा, तो आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि दूसरी वैकेंसी जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ वह भी अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड की डिग्री है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आइए फिर उसके बारे में भी चर्चा करते हैं और उसकी भी जानकारी लेते हैं, और इसके साथ ही आपको मैं हाइट वेट फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात बताऊंगा। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है आईटीबीपी का दूसरा वैकेंसी जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। यह है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर कहा जाता है। एजुकेशन और स्टेट काउंसलर का मतलब है कि आप एजुकेशन से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो उस के लिए समाधान करेंगे, और स्ट्रेस अगर होता है, तनाव होता है, तो उसका भी आप समाधान करेंगे। ये मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जो पोस्ट होगा, इस पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल पोस्ट है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं अभी उसकी बात करता हूँ। देखिए ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होगा और ये 7 जुलाई से इसका आवेदन शुरू हुआ है और चलेगा आपका 5 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला है देखिए नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल। ये टोटल पोस्ट हैं 96, अर्थात 96 हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 16 हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुषों के 37 हैं, महिलाओं के 6 पद हैं, एससी का 15 है, एसटी का 7 है, और ओबीसी का 24, ईडब्ल्यूएस का 13 है। वैकेंसी टेंटेटिव हमेशा बताया जाता है क्योंकि यह कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है। और इसके बाद इसमें जो जानने वाली चीज है, पे एंड अलाउंसेस, यह लेवल 4 की भर्ती है। पे मैट्रिक्स अर्थात स्टार्टिंग इसका जो बेसिक होता है वह 25,500 रुपये से शुरू होता है, और बाकी जो उनकी सुविधाएं होती हैं वह सुविधाएं रहेंगी।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा जाए या 20 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, बिटवीन 20 to 25। इसमें आपसे मांगा गया डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किस में, साइकोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, घबराएं नहीं, अगर साइकोलॉजी में नहीं है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ टीचिंग, मतलब बीएड या बीटी कहा जाता है, मतलब आप ग्रेजुएट हों और साथ में बीएड या बीटी हों, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके जो अन्य मापदंड है वह भी देख लेते हैं, क्योंकि अन्य मापदंड के अनुसार अन्य कैटेगरी में भी होगा। देखिए, एज रिलैक्सेशन की सुविधा आपको मिलती है, एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन को उनकी नौकरी घटा के 3 वर्ष, और फिर जो भी नियम है उसके अनुसार। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरिजमेंट, पूरे विज्ञापन में दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस का। फिजिकल स्टैंडर्ड हम देखते हैं, देखिए ये है 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 157 और जो चेस्ट एक्सपेंशन होता है अनएक्सपेंड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति का इतना होता है। और अगर आपको एक्सपेंड करना है, छाती फुलाना है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और अगर आप गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर क्षेत्र के हैं या जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के हैं, तो 165 पुरुषों के लिए, 155 महिलाओं के लिए यह हाइट मांगी गई है। और बाकी छाती फुलाने का स्टैंडर्ड वही है। शेड्यूल ट्राइब जो है मिजो और नागा के, उनके लिए पुरुषों के लिए 162.5 और महिलाओं के लिए 157.4 सेंटीमीटर मांगा गया है। आपका चेस्ट मेजरमेंट मांगा गया है अनएक्सपेंडेड 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाना है, और वेट भी उसी के अनुसार होना चाहिए। आई साइट आपका N6 6x6 होना चाहिए या CP2 होना चाहिए। आपकी कलर विजन, ये जब आप आंखों की जांच कराने जाएंगे तो बता देंगे। देखिए टट्टू, चूंकि भारत में टट्टू मना है, इसलिए टट्टू जो भी इंडियन आर्मी परमिट करती है वह चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा, तो आप देख लीजिएगा। और इसकी जो साइज है, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, मतलब पूरे शरीर में अगर आपने गोदना गुदवा लिया है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको आवेदन ऑनलाइन मुद्रा में करना है, यहाँ फी आपसे 100 रुपया लिया जाता है। और अगर आप सरकारी कार्यालय में कार्य करते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने बताया पीईटी और पीएसटी भी होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपसे पुरुष हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जो आपको 7.30 मतलब 7.5 मिनट में पूरा करना है। लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 मौका दिया जाएगा। हाई जंप 3.5 फीट, इसके लिए भी 3 मौका दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर का रेस है और उसको 4.45 मतलब 4.25 मिनट में पूरा करना है। लॉन्ग जंप जो होगा वह महिलाओं को 9 फीट करना है और हाई जंप करना है 3 फीट, थोड़ा सा पुरुषों से कम है, होना भी चाहिए। और बाकी जो भी क्राइटेरिया है आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आप सफल होते हैं तभी फिर आगे की कार्रवाई होगी, इसलिए आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। इसका जो वेबसाइट है वह recruitment.itbpolice.nic.in है, बाकी जानकारियां आप इसके वेबसाइट पर ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली चर्चा में, तब आपको कुछ और पदों की